तो चलो, तो दोस्तों यह है वो छत्ता जिसके अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा शहद, और ये नई वाली मधुमक्खी जो शहद खाने आई है। और इसके तो दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉयज़ विद नेचर पे। तो दोस्तों फिर एक बार हमने एपिस फ्लोरिया प्रजाति की मधुमक्खी का छत्ता ढूंढ निकाला है। तो देखिए मेरे पीछे है वो बंदा, तो वही उस छत्ते को निकालने वाला है क्योंकि उसने उसे देखा है, उस दिन भी उसने देखा था। तो वो जिद कर रहा था कि वीडियो निकालो, तो चलो हम आज वीडियो निकालते हैं मधुमक्खी का छत्ता निकालने का। तो देखेंगे कितना भरा हुआ छत्ता है और उसी चीज़ के अंदर है वो छत्ता। तो चलिए पास जाके दिखा। वो कह रहा था कि किसी ने निकाल लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, छत्ता दूसरी जगह पे है वहाँ पे। तो हमें पास जाके देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो इधर 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 दिस वे। बरोबरून कई दोन जमील दोस्तों, यही पे अंदर छत्ता है। इधर से मधुमक्खियां जा रही है, आ रही है, तो देखना पड़ेगा। इकड़ बुड़ क्या जोड़ घुसते है वो दिसला कापन गया ना मौका करूँगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे उसके कुछ पत्ते काट लेने होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा काटे होते हैं इसमें। तो उस दिन भी दिखाया था बहुत ज़्यादा नुकीला काटा है, देखिए ये वाला काटा है वो। और देखिए दोस्तों कुछ मधुमक्खियाँ उड़ने लगी है, लगता है कुछ धक्का दे दिया गया है वहाँ पे। इधर इधर वाली वो ऊपर वाले हाथ वाली भी काट लो, पहले से जगह बना लो अच्छे से। वो ऊपर वाले हाथ वो वाली हाँ वो काट लो, इधर वाली हाँ, उसके नीचे वाली ओके। अब नीचे वाली सीधा उसके नीचे देखो, कढ़ाई पर नहीं जमना रहे फोटो। हाँ फोटो निकालो मत निकालो, कोई बात नहीं, उड़ गया क्या? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मक्खियाँ उड़ गई क्योंकि धक्का लग गया उसे। देखते हैं कितना शहद है अंदर और कितना नहीं है। तो चलो ओके, एक और पत्ता और शहद दिख जाएगा, छत्ता दिख जाएगा। हेलो हाँ लो लो, लो। ऐसा ही पकड़ो, उल्टा पकड़ोगे तो चलेगा। अच्छे से दिखा दो तुम देख लो नीचे से, अच्छे से हाँ नीचे की तरफ ओके अच्छे से दिखा देते ना, दिखा दिया है। चलो ठीक है, नया वाला छत्ता है क्या? नया वाला है क्या दोस्तों? लग रहा है नया वाला छत्ता है, फिर भी इसे निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सुखी हुई डाली है क्या? हाँ उसे काट सकते हो तो काट लो, उसके ऊपर उसका जूस मत गिराओ वरना कड़वा लग जाएगा शहद। देखो दोस्तों देखिए मक्खियाँ किस तरह से बाहर आ रही है। तो दोस्तों यही है मधुमक्खियाँ। तो चले इन्हें हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ। अरे यार ये तो उड़ जा रही है, देखिए यहाँ पर भी बैठी है, यहाँ पर बैठी है कुछ। अरे वो तो गिर गया ना, अरे गिर गया पूरा, नीचे गिर गया। कुछ है क्या शायद? नहीं यार, इसके अंदर तो थोड़ा सा शहद है सिर्फ। और दोस्तों पॉलन देखिए काफ़ी ज़्यादा है, तो हम पॉलन और शहद ले लेंगे और छत्ता वहीं पे वापस रख देंगे। देखिए ये जो काला वाला हिस्सा है वो ओनियन वाला है पॉलन, और ये अलग है तो वो कुछ
दूसरे फूलों से लिया होगा, जैसे कि मस्टर्ड है। और दोस्तों ये काला है, पूरी तरह से ओनियन के ऊपर का है। और ये पीला वाला है, काफ़ी अच्छा रहता है। ये आम के फूलों से भी लिया होगा। और शहद देखिए, काटूंगे ना, इरा कटाक वायरलेस फाटे है ना, तो हे हो देश नको काढ़ना, डायरेक्ट काढ़ना। माख्या प्राय आता चालेल, त्याला माख्या आल्या पाहिजे। तो दोस्तों ये है वो छत्ता, जिसके अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा शहद है। और ये नई वाली मधुमक्खी जो शहद खाने आई है, और इसके नीचे है ब्रूड में कुछ बच्चे भी है इसके। तो इस तरफ से देख लेते हैं, इस तरफ से भी थोड़ा शहद है। तो चलिए इसे, इस ब्रूड को काट लेते हैं और वापस वही रख देते हैं। पकड़ो ऐसे, इस तरह से पकड़ो मेरी तरफ। तो ब्रूड को कुछ इस तरह से काट लेते हैं, देखिए बस। तो दोस्तों ब्रूड को फिर एक बार हम उसी जगह पे रख देते हैं जहाँ से इसे निकाला गया है। और थोड़ा शहद भी बाकी बचा के रखा है। तो कुछ तो जुगाड़ करना होगा सबसे पहले। छोटे के छोटे से छत्ते को यहीं पर रख देते हैं। ओके दोस्तों लाइए इधर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ब्रूड को हमने रख दिया है और उसके ऊपर मक्खियाँ भी बैठना शुरू हो चुकी हैं। तो होने जितना ज़रूरी होगा उन्हें जितना ज़रूरी होगा उतना शहद हो आके इसमें डाल देगी और नया सेल भी बना लेगी। कौन इतना हाँ चालीस का चालीस। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।